तो हाय दोस्तों, आ चुके हैं फिर से एक न्यू एपिसोड को लेकर। और आज जो मैं एक्सप्लेन एनिमेशन करने जा रहा हूँ उसका नाम है ट्विंस ब्रदर। और ये एनिमेशन भी आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये एनिमेशन देखना है तो ज्यादा भी नहीं, इस पे 100 लाइक का एम कम्प्लीट करना होगा और फिर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एक आदमी को दिखाया जाता है, अभी एक लेडी को दिखाया जाता है जो की प्रेग्नेंट थी और यहाँ पे वो बंदा उसको लेके जा रहा था। तभी वो देखता है की आगे रास्ता बंद है तो दूसरी तब से चाहने लगता है। तभी उसको रास्ते में एक पिक दिखाई देता है। अब उसको कम्प्लीटली पता चल चुका था कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है। तभी यहाँ पे आसमान ब्लैक हो जाता है और यहाँ पे 3 लोग आ जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि यहाँ पे निकलने वाले जो भी इंसान को ये मारे करते थे वो भी काफी ज्यादा। तभी यहाँ पे वो लेडी कहती है कि मुझे कुछ गलत फील हो रहा है। तभी वो लड़का सोचने लगता है कि मुझे जो करना होगा जल्द से करना होगा और वो फाइट करने लगते है, जिसमें 2 लोगों को वो हरा भी देता है, जिसमें एक भाग चुका था। और हमें दिखाया जाता है कि 2 बच्चे पैदा हुए होते हैं, जहाँ पे वो आदमी उसके पिताजी उसके पास में जाने की कोशिश करता है और वो आदमी मर जाता है। तभी एक मिस्टीरियस आदमी एक बच्चे को लेकर वो जाने लगता है और वो एक बच्चे को इसलिए लेके गया था क्योंकि दूसरे बच्चे की आंख में एक सोड़ लग चुकी थी। उसको लगता था कि एक नहीं बचने वाला है, तो इसकी वजह से जो बच्चा अच्छा था वो उसको लेके चला जाता है। अब कुछ सालों के बाद का सीन में एक आदमी होता है जहाँ पे एक ट्रैप पे आया होता है और एक ट्रैप पे वो पैर रख देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी सारी निडल आती है, लेकिन वो आदमी उससे भी डोज कर लेता है और वो काफी अच्छी तरीके से वो सब तीरों को नलीफाई कर देता है। तभी एक लड़का उस पे अटैक करता है और वो लड़का जैसे ही अटैक करता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लड़का वही था उस 2 बच्चे में से एक का, जिसका नाम एलेक्स था। एलेक्स उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बंदा उसके हाथ पे पैर रख देता है और उसको एक लात मारता है, जहाँ पे वो पानी में गिर जाता है। उस पानी में से तैर के जाने लगता है और यहाँ पे वो कहता है आदमी कि तुम काफी ज्यादा स्लो काम कर रहे हो। तभी वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्लो काम कर रहे हो, जिस पे वो एलेक्स कहता है कि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे एक रूम के अंदर जाके उसके अंदर डाल देता है और ऊपर से उसका दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन हमें तो पता चलता है कि उसमें से काफी सारे लोग उसको मार रहे थे और काफी अजीबोगरीब आवाज आ रही थी और एलेक्स काफी ज्यादा डरावना होता है। अब इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है हमें एक लड़के को और ये उसका दूसरा भाई था जिसका नाम होता है जैक। और यहाँ पे एक लड़की को वो नोटिस करता है और तभी अपनी हैंड टेक्निक से एक अटैक करता है, लेकिन वो लड़की को देख के उसको नलीफाई कर देता है, जिससे वो लड़की बच जाती है। अब यहाँ पे वो लड़का कहता है जैक के इस खरगोश मुझे भी पकड़ाओ, जिसपे वो लड़की उसको खरगोश पकड़ा देती है। अब यहाँ पे जैक पूछता है कि मुझे इसे कैसे पकड़ना चाहिए, जिस पे वो लड़की मुस्कुराती है। अब इसके बाद के सीन में यहाँ पे एलेक्स खाना खाने आया होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे एक लेडी आई है और उसको वो ग्रीट करता है। और तभी वो लेडी कहती है कि पेट पालना मना है और तुम कोई भी नहीं पाल सकते हो। और तभी हमें यह लड़की को दिखाया जाता है जिसको आइस में बंद करके रखा हुआ था और ये बात देख के काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है एलेक्स को, जहाँ पे उसको ग्रीन बार टब में डाला होता है। और तभी अंकन लू वो कहता है और वो एक दवाई डाल देता है जिससे उसकी एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। यहाँ पे एलेक्स कहता है कि मेरे माता पिता जी कहाँ पे है, जहाँ पे वो अंकल लू वो ये बात देख के उसके पास में जाते हैं। उसके पास में जाके वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारे माता पिता जी के बारे में कितना मालूम है, जहाँ पे एलेक्स कहता है कि मुझे बस थोड़ा ही मालूम है, बस मुझे इतना मालूम है कि मेरे माता पिताजी मर चुके हैं और मुझे मेरे पिताजी का नाम भी नहीं मालूम है। यहाँ पे ये हो जाता है एपिसोड खत्म। तो दोस्तों, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, ज्यादा नहीं 100 लाइक के एम रखते हैं, और अगर तुम लाइक करवा दोगे तो हम इसके बाकी के पार्ट भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। कमेंट करके जरूर से बता देना कि हमारा ये वाला एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।